सो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सो आपका फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो के अंदर। सो मेरे को मेरे भाई का एक मैसेज आया था कि भाई, जैसे कि आप जब भी अपना एफ एल स्टूडियो में जाके पियानो रोल खोलते हो, जब भी आप अपना पियानो रोल ओपन करते हो, तो आपके यहाँ पे सारे वो आइकन्स लिखे आते कौन सा नोट है ना। तो हमारे नहीं लिखा आता, जब हम खोलते हमारा ऐसे आता, जैसे ये C4 है, C3, C2, मतलब अकेला हमारा C लिखा आता है। हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हमें इसके ऊपर क्लिक करके देखना पड़ता है कि हम भी कौन से हैं। जो मतलब बिगनर है वो कहते हैं कि हमें इनके ऊपर रख के देखना पड़ता है कि हम कौन से नोट पर हैं। सो हमें उसकी एक ट्रिक बताओ, ताकि हम ये जो हमारे साइड वाले नोट्स हैं वो भी सारे हमें दिखने शुरू हो जाएँ। सो बेसिकली इसको इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये सेटिंग्स के साथ वाला ये ऑप्शन मिल जाएगा, पियानो रोल ऑप्शंस, ठीक है। इस पे जाना है आपने, उसके बाद जाना है आपने व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद आपने जाना है की लेबल पे। अभी आप देखोगे की लेबल पे आपको सिर्फ रूट नोट्स दिख रहे हैं। अगर आप करोगे ऑल नोट्स, फिर आपको ये सारे नोट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर मान लो आप चाहते हो कि हम दोबारा उसी पे चलते हैं, फिर उसमें समझाता हूँ। अब आप चाहते हो कि नन, आपको कोई भी ना दिखे, सी भी ना दिखे, तो फिर आपको कोई भी नहीं दिखेगा। मतलब आप इसमें जाके अपना सारा अपनी मर्जी से करा सकते हो कि जैसे अब आपको ये दिख गया B1 A1 G F E D C, ठीक है, CDEFG AB, ये आपके सारे नोट्स शो होने शुरू हो गए। अब आप चाहते हो कि यार ये जो पियानो है इसका कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, प्लस इसमें सेटिंग्स भी अपनी तरफ से कर सकते हो। अब आप चाहते हो सारे ब्लैक, जैसे आजकल सारे ब्लैक चल रहा है, आप वो भी सारा ये डार्क रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे घोस्ट चैनल, हम अगर इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा, हम कोई भी वो लेंगे और प्लगइन लेंगे, एफएल कीज लेंगे या कोई भी लेंगे, तो हमें वहाँ पे हमारा घोस्ट नोट नहीं दिखेगा अगर हम उसको बंद करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो सैम्पलर में यहाँ पे आपको घोस्ट नोट नहीं दिख रहे। अगर आप वहीं पे जाके व्यू में जाके ये आपको घोस्ट चैनल दिख रहा है, आप इसको ऑन करोगे तो आपको सैम्पलर में जो भी आप लगाओगे अपने नोट्स, वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी नोट लगाओगे या कोई भी कोड लगाओगे, मान लो मैं ये एक सिंपल सा कुछ भी लगा दिया, ठीक है, अब मैं इसमें जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पर अगर आपका ये Ctrl V, Alt V दबाऊंगा तो ये सारे गायब हो जाएंगे, ऑल्ट वी दबाऊंगा तो सारी वापसी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आप इसमें जाके अपनी कोई भी सेटिंग आपके जोन से आपको अच्छी लगती है, आप वो अपनी सेटिंग कर सकते हो। जैसे ये स्टेप में आ गया, सिलेक्ट आ गया, ग्रुप आ गया, जूम आ गया। जूम का क्या होता है, क्विक जूम। अब ये देखो जूम हो गया, मतलब जूम आउट हो गया, सेकंड दबाया जूम इन हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं, और जूम हो गया, जूम सो फार करते हैं, जूम आउट फार, देखो पूरा ही आ गया है ना, कितना मतलब ये सारा जूम आउट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जूम ऑन सिलेक्शन, ये सारा जूम हो गया। टाइम मार्कर है, टारगेट चैनल है, टारगेट कंट्रोल है, आपने इनमें से ये सब किसके लिए होते हैं, नोट प्रॉपर्टीज, ये होते हैं नोट रिलीज, ये होते हैं यहाँ पे। आप ये कंट्रोल देख रहे हो ना, आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं, अगर आपने कोई भी कोड, मान लो आपने कुछ भी यहाँ पे बना लिया ना, मान लो ये मैंने कुछ भी ऐसी बना दिया ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको डाउन कर दूंगा ये कैसे साउंड करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी मैंने वॉल्यूम यहाँ से डाउन कर दिया, अगर ज़्यादा कर दी फिर, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने स्ट्रमिंग पे कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया, इसको हम ले आते हैं इधर, तो अब इन तीनों की ही वेलोसिटी के साथ मैं खेल सकता हूँ, ये कैसे साउंड करेगा अब, ये आपको इसलिए सुनाई दिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। अब तो मतलब आप इसमें से जाके भी अपनी सेटिंग्स देख सकते हो सारी की सारी।
अब ये है, इसमें भी आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको जो अपनी मर्जी का, ये आपको सारे शॉर्टकट बता दिए कि आप ये क्लिक करके आप क्या क्या कर सकते हो। मैग्नेट का तो आपको पता ही है कि आप अपने बीट में रखना चाहते हो, स्टेप पे रखो, 1/6 करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब आपको ये एक में आपको 6 नज़र आएंगे जब आप इसको जूम आउट करोगे, ठीक है। अगर आप इसको स्टेप पे कर दोगे तो ये सीधा स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 2 3 4 देखो, बिल्कुल जहाँ भी लगाऊंगे सिर्फ स्टेप पे ही लगा, आप बीच में कहीं नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो आपको पता ही है, नोट्स के लिए नोट्स आपने कोई भी लगाने तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, ये आप कलर कर सकते हो, मेरे को इस कलर का चाहिए, फिर आपका वही कलर का कोड आप बना सकते हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, लूप स्टार्ट, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन तो मैंने आपको एफएल स्टूडियो के बिगनर वाले में ही बता दिया था। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और हाँ, 25th को मेरा सॉन्ग आ रहा है, 25th अगस्त को मेरा सॉन्ग आ रहा है, कोई भी नहीं, सो सभी ने जरूर सपोर्ट करना है, गाने को जरूर सुनना है, स्टोरीज डालनी अपनी, और जितना आप प्यार वीडियोज़ को देते हो उतना ही प्यार गाने को भी देना। थैंक यू सो मच।